आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। वन कर्मियों ने शिकार के फिराक में घूम रहे दो शिकारियों को किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर के तालाड़ा रेंज से वन कर्मियों ने शिकार के फिराक में घूम रहे दो शिकारियों को गिरफ्तार किया। वन कर्मियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी आड़दा निवासी महेंद्र सिंह और नरेश सिंह। इस दौरान वन कर्मियों ने दोनों आरोपियों के पास से एक टोपीदार बंदूक, 120 ग्राम बारूद, 6 लोहे की मोटी गोलियां, छर्रे बरामद किए। तालाड़ा रेंजर राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि वे DFO महेंद्र शर्मा और SEF संजीव शर्मा के निर्देशन में रणथंभौर में अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि तालाड़ा वन क्षेत्र में कुछ लोग अवैध हथियार के साथ शिकार की फिराक में हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इलाके में निगरानी बढ़ाई। इसी दौरान दो लोग संदिग्ध अवस्था में नजर आए जिनके पास बंदूक थी। वन कर्मियों को देखकर दोनों लोगों ने भागने का प्रयास किया, जिस पर रेंजर राम खिलाड़ी मीणा और वन कर्मियों ने उनका पीछा किया। करीब आधा किलोमीटर भागने के बाद दोनों शिकारियों को दबोच लिया। इस दौरान वन कर्मियों की टीम ने दोनों शिकारियों के पास से एक टोपीदार बंदूक के साथ 120 ग्राम बारूद, 6 लोहे की मोटी गोलियां, छर्रे सहित एक लोहे का छुरा बरामद किया। फिलहाल वन विभाग की टीम आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सवाई माधोपुर से हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।